जादुई पीर और मुर्गी का अंडा। सिद्धी नाम की एक बहुत प्यारी मुर्गी थी। बहुत जल्दी वो अंडे देने वाली थी, लेकिन उसे हमेशा यही चिंता रहती, यदि उसने अंडे दिए तो कहीं कोई व्यापारी या कोई लालची इंसान उसके अंडों को चुरा कर ना खा जाए और वो कभी अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगी। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। सोचते सोचते उसे रोना आ गया। क्या करूं? मेरे अंडे आज नहीं तो कल आते होंगे। जब अंडे होंगे तो उन्हें कहां रखूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई ना कोई आएगा और मेरे अंडे चुरा कर खा जाएगा। कब से अंडे दे रही हूँ पर बच्चों से नहीं मिल पाती। ये दुनिया बहुत खराब है। भगवान मेरी मदद करो, मुझे कोई उपाय बताओ भगवान। मुर्गी की रोने की आवाज सुन पेड़ ने आवाज लगाई, क्योंकि वो पेड़ जादुई पेड़ था। उसने अपनी पत्ती झाड़ी और मुर्गी से कहा, क्या बात है मुर्गी रानी, क्यों रो रही हो? अरे मैं हूँ जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं कोई छोटा मोटा आम का पेड़ नहीं हूँ, मैं ऋषि मुनि की तपस्या का पेड़ हूँ। ऋषि मेरे यहाँ बैठकर तपस्या करते थे, बहुत से जादू सीख चुका हूँ। बताओ तुम्हारी क्या मदद करूँ? मुर्गी अपनी सारी समस्या पेड़ को बताती है। पेड़ जोर शोर से हंसने लगता है। ये तो कोई बात नहीं ही, अब तो तुम अपने अंडे मेरे पेड़ के नीचे ही देना। जो भी आएगा उसे अंडे नजर नहीं आएंगे, ऐसा जादू डालूंगा। क्या क्या पेड़ भाई, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर मैं अपने यही अंडे दूंगी। मुर्गी तय कर लेती है कि अब वो पेड़ के पास ही रहेगी। जब वो अंडे देती है तो बहुत खुश हो जाती है। पेड़ उसका दिन रात ध्यान रखता है। अगर किसी की अंडे पर नजर पड़ती तो उन्हें पास आने पर अंडे नजर नहीं आते। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, मुर्गी बहुत खुश हो जाती है। पेड़ भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल सलामत है। अब मैं अपने गाँव लौट रही हूँ। जादुई पेड़, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। पेड़ बहुत भावुक हो जाता है। मुर्गी बड़ा सा धागा लेकर पेड़ से बांध देती है और उसे अलविदा कहती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें।